क्या रितेश पांडे को भी सुशांत सिंह की तरह ही टॉर्चर किया जा रहा है? जी हाँ, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को कई बड़े बैनर ने बैन कर दिया था, लोग उन्हें तरह तरह से टॉर्चर कर रहे थे, क्या उसी तरह से रितेश पांडे को भी टॉर्चर किया जा रहा है? अगर रितेश पांडे की उपलब्धियों को देखा जाए तो भोजपुरी में आज अगर गायकी के व्यूज के हिसाब से तोला जाए तो रितेश पांडे से बड़ा कोई भी गायक नहीं है। जी आज अगर पर्टिकुलर सिंगल गानों की बात करें तो उनसे बड़ा गायक और उनसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला गायक कोई भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम हेलो कौन की। लोग ये बोलते हैं कि ये हिंदी सॉन्ग है, लेकिन गाया तो भोजपुरिया गायक रितेश पांडे ने ही है और आज इसके व्यूज़ हो गए हैं लगभग 60 करोड़। जी हाँ, 60 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं यूट्यूब पर, वो मिलियन लाइक्स यानी 20 लाख लाइक्स हो चुके हैं, जो कि भोजपुरी के किसी भी गाने को अभी तक नहीं मिले हैं। और साथ ही लूडो वाला जो गाना था लॉकडाउन में लूडो, उसको भी 57 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। और आगे जो अभी उनका गब्बर की बसंती अभी हाल ही में 2-3 दिन में रिलीज़ हुआ है, उसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। यानी कि एक स्टार जो मेहनत कर रहा है, जो किसी के भी काम में आड़े नहीं आता, उसके पीछे लोग हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? ऐसा इंटेंशन रितेश पांडे अब दे रहे हैं, लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ भाई जियो और जीने दो, मैं जो ये काम कर रहा हूँ मुझे करने दो, क्यों उसमें बाधा बन रहे हो, क्यों विभीषण बन रहे हो? जी हाँ, आपने देखा होगा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ दिनों पहले रितेश पांडे ने इस बात को कहा था, विभीषण ने श्री राम की सहायता की थी और उन्होंने सत्य का साथ दिया था, उन्होंने भगवान की का साथ दिया था, लेकिन उनकी पूजा कहीं नहीं होती है। अब वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि विभीषण की तरह मत बनो जी, इस इंडस्ट्री में जियो और जीनो दो की रणनीति चलाओ, लोगों को आगे बढ़ने दो, इस तरह की रणनीति मत चलाओ कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएं। क्योंकि जिस तरह की बात लगातार रितेश पांडे कह रहे हैं, उनके सपोर्ट में भोजपुरी की कई अभिनेत्रियां भी आ चुकी हैं, पूनम पांडे हो या फिर अंजना सिंह हो, सभी ने इनका सपोर्ट किया है और सब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इस बात को मानते होंगे कि भाई भाई भतीजावाद हो या फिर मौके को अपने हाथ पे लपक लेना हो या फिर किसी के रोल को ग्रैब कर लेना हो, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में भी चलता है। भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी हो तो क्या से, लेकिन बॉलीवुड की तर्ज पर ही ये काम करती है। यहाँ पर फेवरिज्म बहुत चलता है, फेवरेटिज्म भी बहुत चलता है। फेवर करना यानी कि किसी को आप अगर खूब फेवर करते हैं तो भी आपको रोल मिलेगा, और आप किसी के फेवरेट हैं, आप उनके खेमे के, आप उनके ग्रुप में सबसे फेवरेट हैं, आप उनके काम के हैं, तो भी आपको बहुत काम मिलेगा। और ग्रुपिज्म की बात जो यहाँ पर उठाई जा रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं इस बात का सपोर्ट हर कोई कर रहा है। यहाँ ग्रुपिज्म भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े जोरों शोरों से होता है। क्या आपको लगता है कि रितेश पांडे के साथ कोई साजिश हो रही है? क्योंकि लगातार रितेश पांडे ये कहते आ रहे हैं कि जो गाना मैं गा देता हूँ, इससे पहले आपने देखा होगा लहंगा लखनऊआ, और भी उनका एक और गाना था जिस गाने को रितेश ने गाया था, उसे ऑलरेडी खेसारी लाल यादव से गवाया गया। फिर आपने ये भी देखा होगा कि रितेश ने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, रितेश थोड़ी देर के लिए ही लाइव आए जब उनकी गब्बर की बसंती सॉन्ग रिलीज़ हुआ, उसके एक दिन बाद वो थोड़ी देर के लिए ही लाइव आए, लेकिन लाइव आकर उन्होंने ये नाम नहीं बताया कि कौन है इन सब के पीछे, लेकिन उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कहा है जिसे समझने के लिए, ये छोटी सी दुनिया है, वो सारी चीज़ें बाहर एक न एक दिन आएंगी, हो सकता है रितेश खुद ही खुल कर लेकर आए, लेकिन क्या ज़रूरत है? अभी हमने बिहार के एक बहुत ही होनहार व्यक्ति को खोया है, एक बहुत ही होनहार टैलेंट को खोया है, और सुशांत सिंह राजपूत के रूप में, फिर इस तरह से क्यों हमारे इन सब चीज़ों से सबक नहीं ले रही है? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि निरहुआ के बाद पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार के रूप में मिले, और पवन के बाद खेसारी लाल यादव, लेकिन खेसारी के बाद कोई क्यों नहीं उभर रहा है? जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये कि खेसारी लाल यादव के बाद कोई क्यों बड़ा नाम लेकर उभर नहीं पा रहा है? सोचिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।